दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर स्थित रामनगर कॉलोनी में विजय कुमार नामक एक व्यक्ति एक किराए के मकान में रहता था। उसका आरोप है कि कुछ दिनों से विजय कुमार का उसके मकान मालिक कुलदीप सिंह से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। विजय ने अपने मकान मालिक से मकान खाली करने के लिए 2 महीने का समय मांगा था, लेकिन उसके मकान मालिक कुलदीप सिंह ने अपने कुछ साथियों सहित उस पर बीते दिनों तेज धार हथियारों से हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर मौके से फरार हो गए। विजय द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कुलदीप कुमार बब्बू है, अपने घर गवंढी है अपने लागे। इन्हें मेरा मकान जबरन खरीदया, मैं किराए के रहा 14 साल तो। इन्हें खरीद के अगर मैंने कहता खाली कर, मैं खाली कर दाँगा कुछ टाइम दे। इन्हें का टाइम नहीं मेरे को है, जल्दी जल्दी खाली कर। एक कल परसों फिर मेरे को आया, इन्हें जाकर कंप्लेन झूठी लिखाई मेरे खिलाफ, फिर मैंने गाला कटता, जबकि मैं इन्हें गाला कोई नहीं कटियाँ। इस तो बाद कल इन्होंने प्लानिंग बना के रस्ते में रोकया, मैं आंडिया खलोता रस्ते के, इन्होंने यद प्यो मुंडा आया वा पिछों ये दो जने आ गए, इन्होंने दातर उत्तर फड़े सरगर फड़े 3 जने ने, इन्होंने फट के आने मैं बुला शुरू करती। विजय कुमार ने बयान लाए जी, इतने इन्ह का आपसी झगड़ा हो गया, इतने मकान का झगड़ा ही आपसी इन्हों का। तो विजय कुमार ने जड़िया वा मनोज कुमार ने, तो पिता कुलदीप कुमार ने, तो इन्हों का एक चाचा सी विजय कुमार, इन्होंने सट्टा लाइया जी। कारण इन्हों का एक जगह का झगड़ा चलता जी, उस रंजस टायर जड़िया इन्हों सट्टा लाइया गई।